इस टाइम ना हमारी छत पे ना आवारा कबूतर आया हुआ है, इसलिए आराम से बोल रहा हूँ और मैं आपको कबूतर बताता हूँ। इस तरफ दीवार पे बैठा हुआ है और मैं उसके पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। इनको मैंने दाना वगैरह डाल दिया, तो अब देखते हैं कि वो आता है या नहीं आता। मैं आपको दिखा देता हूँ ज़रा हल्का सा। यार शिट दोस्तों, वो मेरे कहा चला गया, लेकिन वो सामने बैठा हुआ, मैं आपको दिखा देता हूँ। वो देखिए सामने नीचे आने की कोशिश कर रहा है, और इनको मैं ना बार बार दाना डाल रहा हूँ, शायद वो नीचे आ जाए। दोस्तों ये देखिए माशाल्लाह से आ गया, वो दाना तो हमने डाल दिया है, और अब ना हम इसे ना पकड़ने की कोशिश करते हैं। डरा हुआ काफ़ी ज़्यादा है, तो हम ट्राई करते हैं। मैं अकेला हूँ, देखते हैं कि हम क्या इसे पकड़ पाते हैं या नहीं पाते। मैं आपको एक बार फिर दिखा देता हूँ। दोस्तों ये देखिए ये फिर रहे, तो चलें मैं ट्राई करता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। पहली दोस्तों यार हमने कबूतर पकड़ लिया। मैंने आपको कहा था कि ये हमारा लास्ट ट्राई होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, न्यू बोले खुश आमदीद। अगर चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर लीजिएगा। और दोस्तों आज ना यार हम एक कबूतर पकड़ने वाले हैं, तो आप सब ने दुआ करनी है कि ना हम उसमें कामयाब हो जाएँ। कबूतर जो है वो बिल्कुल हमारे देखिए पीछे बैठा हुआ है, और मुझे देख के काफ़ी ज़्यादा डर रहा है, और ना मैं उसे ना बिल्कुल भी डराने नहीं चाह रहा। मैं उसे एक साइड पे हो जाता हूँ यहाँ पर, ताकि वो आराम से उसे जाए छत पे दाना वगैरह खाए, और शाम के टाइम ना हमारी जितने भी कबूतर उनके साथ नीचे आ जाए। क्योंकि ऐसे तो मैं पकड़ नहीं सकता, ऐसे मुझे कोई तजर्बा वगैरह नहीं है इसको ट्रैप करने का। बस एक ही तरीका है, दाना खाएगा और उनके साथ आराम सुकून से ना घर में आ जाएगा। मैं कोशिश करूँगा यार इसे पकड़ने की, लेकिन ऐसा मेरे से नहीं हो पाएगा और मैं अकेला हूँ। और दोस्तों आज देखिए धूप काफ़ी ज़्यादा मज़े की निकली हुई है, 3-4 दिनों के इधर काफ़ी ज़्यादा बारिश और थी, इतनी ज़्यादा ठंड थी ना मैं आपको बता नहीं सकता। और हमारे ना परिंदे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थे, तो अब ना अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो परिंदे वगैरह हैं बिल्कुल रिलैक्स हो गए, क्योंकि आज ना सुबह से काफ़ी मज़े की धूप निकली है। और हमारे जो कबूतर हुआ है देखें, मैं मुझे देख के डर है यार, मैं इधर साइड पे इधर चला जाता हूँ, यहाँ पर हो जाता हूँ, वो जैसे दाना खाने के लिए नीचे आएगा तो हम कोशिश करेंगे उसे पकड़ने की। अगर हमने पकड़ लिया ठीक है, वरना या तो हमारे नसीब है या तो हमारे नसीब भी नहीं। वो देखिए दाना खा रहा है हमारे कबूतरों के साथ, तो अब मैं कोशिश करता हूँ। दाना तो इन्हें मैंने काफ़ी ज़्यादा डाल दिया है, अब इन सबको ना मैं खाने में लेके जाता हूँ अंदर जहाँ पर इनका घर है, और वहाँ पर हम इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि ये हमारे हाथों में आता है या नहीं। तो मैं नीचे जाता हूँ, भाई वगैरह किसी को बुला के लेके आता हूँ। अगर कोई ना हुआ तो हमें आज ना ये अकेले काम करना पड़ेगा बादरी वाला। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि यार ये हम काम कर लेंगे, इंशाल्लाह मुझे अपने आप पर पूरा यकीन है। तो अब मैं नीचे जाता हूँ, देखता हूँ अगर कोई हुआ तो उसे ले आऊँगा, नहीं तो ये काम हमें अकेले ही करना पड़ेगा। और दोस्तों मैं काफ़ी ज़्यादा डर रहा हूँ, और देखिए कबूतर भी काफ़ी सहमा हुआ है, वो परेशान हो गया भाई मैं किधर आ गया हूँ, क्योंकि हमारी जो मुर्गियाँ वगैरह हैं ना ये काफ़ी ज़्यादा देखिए डिस्टर्ब कर रही है उस कबूतर को। तो यार तुम लोग क्यों उनसे तंग कर रहे हो, तुम आराम से उनसे अपना दाना खाओ। दोस्तों देखिए वो वाली जो फीमेल है, पत्नी मेल है, मुझे यहाँ से लग रहा है कि वो मेल है। वही ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, ओ माय गॉड शिट ऊपर चला गया। अब मैं नीचे जाता हूँ, किसी को बुला के लाता हूँ, देखता हूँ कि कोई मिल गया, वरना ठीक है ना अकेला ही पकड़ना पड़ेगा। नीचे गया हूँ, मुझे कोई भी नहीं मिल रहा, और अब हम जाके देखते हैं कि यार वो कबूतर कहीं चला तो नहीं गया, उड़ ना गया हो। यार दोस्तों काफ़ी टाइम बाद ना हमने कोई कबूतर पकड़ा था, लेकिन अभी मुझे इधर बिल्कुल भी इनमें नज़र नहीं आ रहा। तो आराम आराम से मैं छत पे जाता हूँ, शायद कि छत पे बैठा हो, नहीं यार कहीं पर नज़र नहीं आ रहा, शिट मुझे तो ओ यहाँ बैठा 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 है। दोस्तों उठ के हमारे कबूतरों के साथ ही बैठा है, मतलब कि इसका दिल लग गया हमारे कबूतरों के साथ, अब ये कहीं पर भी नहीं जाने वाला। यार अभी ना फिलहाल मैं साइड पर बैठता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं तंग नहीं करता, जैसे धूप थोड़ी सी ख़त्म होगी तो फिर हम क्या करेंगे कि उसे पकड़ गए तुम लोग निकल गया यहाँ। दोस्तों आधा घंटा हो गया मैं इधर बैठा हूँ, लेकिन वो अभी भी नीचे नहीं आ रहा। मैंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश किया, वो उसी एक जगह पर आराम सुकून से बैठ गया है, पत्नी बैठ गए बैठ गया, इसका मुझे नहीं पता, जब पकड़ूंगा तभी पता चलेगा भाई मेल है या फीमेल है, अभी हाथों में आ रही नहीं है। देखिए वो सामने उधर आराम सुकून से उसी जगह पर अभी भी बैठी हुई है। लेकिन यार हम ना कामयाब हो जाए उसे ट्रैप करने में, बस मेरी यही ख्वाहिश है कि हम ना उसे ट्रैप करने में कामयाब हो जाए। उसके पास अभी हमारा कोई भी कबूतर नहीं बैठा हुआ, वो सिर्फ अकेला बैठा है, लेकिन अभी जाके ना यार हमारा कोई मेल बैठा है उसके साथ जाके मस्ती वगैरह करेगा, उसको बोलेगा भाई इधर ही तुम रहो, इधर दाना पानी वगैरह सब कुछ तुम्हें मिलता है। तो देखेंगे क्या यार उसकी बात मानता है या नहीं मानता। तो काफ़ी टाइम बाद ना वहाँ से उड़ के यहाँ पर आया सिर्फ पानी पीने के लिए, और अब अपने दुआ करनी कि यार पानी पी के ना सीधा अंदर घर में जाए, कहीं और ना जाए। यार अब मैं भी कोशिश करता हूँ थोड़ा सा आगे जाने की कि अल्लाह करे आ जाए। डरो नहीं डरो नहीं डरो नहीं डरो नहीं यार, मैं तुम्हें इधर दाना पानी वगैरह सब कुछ दूंगा यार, तुम बस इधर घर के अंदर चले जाओ। दोस्तों अब मैं इधर आके बैठ गया हूँ ना, तो अब ना ये ना इस तरफ नहीं बैठेगा आके, तो मैं अब बैठ के इसे इधर देखता हूँ। लेकिन उड़ने की कोशिश कर रहा है यार, मजे नहीं लग रहा कि यार मारा तो हाथों में आएगा। यार देखिए उड़ के कबूतर के पास चला गया उधर, यार मैं अब क्या करूँ इसको।
वहाँ पर जा रहा हो तो यहाँ पर आ जाता है, जब यहाँ पर आता हो तो फिर वहाँ पर चला जाता है। तो दोबारा अगेन मैं इधर आ गया उसी जगह पे वापस, और जो हमारा नया कबूतर है वो फिर भी छत पे है यार। बकाया हमारा कबूतर नीचे आ गया दोबारा दाना खाने के लिए, लेकिन वो वाला हमारा जो कबूतर है वो आ रही नहीं है। पता यार कैसा ज़िद्दी खड़ूस है ये, इसके ये बैठा हुआ है। तो मुझे पक्का यकीन हो कि अगर इसे मैं डराऊंगा ये उड़ के चला जाएगा, लेकिन फिर वापस से यहीं पर ही आएगा, मुझे इतना यकीन है। तो अब मैं चाहता हूँ आराम सुकून से ना उसे पकड़ने की कोशिश करता हूँ, या तो भाई कामयाब होंगे या तो भाई काम से जाएंगे। तो ये सामने बैठा हुआ है और अब मैं आराम आराम से चल चल के यहाँ से नीचे नीचे से जा रहा हूँ। और यार डरना नहीं है तुम्हें, डरना नहीं है, आराम से यार तुम हमारे कबूतर के साथ नीचे आ जाओ ना, तुम्हें किस चीज़ का मसला है भाई। देख के आगे चला गया, देखिए जाने की कोशिश कर रहा है। और मैं डंडा उठाता हूँ और इसे मैं ना नीचे लाने की कोशिश करता हूँ। चलो चलो ओए आगे पीछे नहीं जाना, कुरी 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 शाबाश इस तरह। अब ये आ गया और अब हम ना सहसे अपने कबूतरों को अंदर करते हैं ना खुरी खुरी करके, उस तरह इनको बोलेंगे भाई खुरी खुरी जाओ खुरी में, फिर शायद ये हमारे हाथों में आ जाए। ठीक है, खुरी 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 खुरी। मैंने तो काफ़ी ज़्यादा कोशिश किया लेकिन मेरे हाथों में अभी भी नहीं आ रहा, लेकिन अभी भी मैंने हिम्मत नहीं हारनी, अभी भी मैं इसे पकड़ने की कोशिश करूँगा। और मुझे अपने आप पे पूरा भरोसा है कि भैया मैं इसे पकड़ लूँगा। खुरी चलो तुम आराम से बांध दो, तुम हर जगह पर मस्तियाँ कर रहे होती हो यार। इधर मैं दाने का ढक्कन भी बंद कर दूँ, उधर जाता हूँ तो वो मुर्गा तंग करता है, इधर आता हूँ तो मुर्गियाँ पागल हुई होती दानों के पीछे। सब्र करो यार, तुम्हें दाना वाला मेरे कैसे, पहले मैं यार कबूतर तो पकड़ लूँ यार, थोड़ा सा सब्र कर जाता हूँ मैं तुम्हें, क्या यार थोड़ा सा तुमसे सब्र नहीं हो रहा। और दोस्तों मैंने काफ़ी ज़्यादा यार पकड़ने की कोशिश की, बिल्कुल भी मेरे हाथों में नहीं आ रहा। अब मैं थक के हार चुका हूँ, अब मैं नीचे जा रहा हूँ इनको दाना वाला डाल के, शायद कि थोड़ी सी शाम हो दूर थोड़ी सी नीचे हो फिर आ जाए भाई। अभी तो बिल्कुल भी मेरे हाथों में नहीं आ रहा, यहाँ से उड़ के उधर सामने जा रहा है और वहाँ से उड़ के उधर जा रहा है, और काफ़ी ज़्यादा तंग आ रहा है। जिस टाइम मैं दाना डालता हूँ ना दाना खाने के लिए यार ये नीचे आ जाता है, लेकिन पकड़ने की बारी आती है तो भाई उड़ जाता है ऊपर। मेरा तो दिल कह रहा है मैं एक बार लास्ट ट्राई कर लूँ, शायद के पकड़ा जाए। फाइनली दोस्तों यार हमने कबूतर पकड़ लिया। मैंने आपको कहा था भैया हमारा लास्ट ट्राई होगा, अगर हमें यार अगर इसने नहीं पकड़ा दिया तो हम यार नीचे चल जाएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यार हम ना इसको ना पकड़ने में कामयाब हुए। तो यार तुम्हें मैं कब से पकड़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन तुम आ रहे नहीं थे, आखिरकार तुम भाई हाथों में आ गए मेरे। तो फाइनली दोस्तों यार हमारा जो मिशन था उसमें हम कामयाब हुए अल्हम्दुलिल्लाह। यार हमने ना कबूतर पकड़ लिया, काफ़ी टाइम बाद यार हमने इसे ट्रैप किया, तकरीबन एक साल होने वाला है, एक साल बाद यार हमने कोई ना नया कबूतर पकड़ा है। तो अब मैं इस तरह करता हूँ इसको ऐसे छोड़ूंगा तो नहीं कहीं और चला जाएगा, पिंजरे के अंदर बंद कर देते हैं। दाना तो उसने खा लिया और ना दाना वाला भी यार हम ना इसके ना पिंजरे के अंदर रख देंगे। तो जिस टाइम रात होगी तो फिर ना हम इसको ना अंदर खाने में छोड़ देंगे, ना इसके हम पर बांधेंगे और ना इसे इसके हम पर निकालेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि यार ना ये अपना इधर कबूतरों के साथ ना फिट हो जाएगा, कहीं पर भी नहीं जाएगा। नहीं है तुमने यार, तुम क्यों भाग रहे हो मेरे से, मैं तुम्हें खा रहा हूँ। ये देखो ये है तुम्हारा नया घर, ये देखो ये तो सारे के सारे इधर अंदर फिर आराम से पूछे, और तुमने भी अंदर ही फिरना, बाहर तुमने नहीं निकलना। ठीक है, जैसा कि दोस्तों मैंने आपको कहा था पिछली वीडियो में कि आपके लिए एक सरप्राइज़ है, लेकिन वो अंदर ना इसी खाने में है, तो वो यार मैं अभी आपको बता देता हूँ, दिखाऊंगा नहीं क्योंकि यार उसमें ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल वगैरह होगी आपको दिखाने में। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यार वो आपके लिए सरप्राइज़ क्या था। दोस्तों माशाल्लाह से जो हमारी ये थी कॉकटेल हैं, इन लोगों ने माशाल्लाह से अंडे दे दिए, और अब ना इन लोगों ने बच्चे भी निकाल लिए ना, जिससे इधर खामोशी होती है तो इनके घर से ना बच्चों की आवाज़ भी आती है। और पता ही फीमेल यार कैसी अजीब सी एक्टिंग कर रही थी, इसके कभी रिवर्स जा रही कभी इधर जा रही कभी इधर जा रही है। सब्र करो यार, मैं तुम लोगों को दाने देता हूँ, सब्र करो। दोस्तों आपको मैंने हैप्पी न्यूज़ बता दी है कि यार हमारी माशाल्लाह से कॉकटेल ने भी बच्चे दे दिए, जैसे थोड़े बच्चे बड़े होंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा, अभी काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं ना, क्योंकि तीन चार बार मैंने आपको पहले भी दिखाया था, जिसकी वजह से ना इन लोगों ने ना अपने बच्चे मार दिए थे। जैसे बड़े होंगे तब आपको भी दिखाऊंगा और मैं भी देखूंगा। हमारा जो न्यू कबूतर है उसको यार मैंने दाना अंदर डाल दिया, मैंने कहा अगर वो बाहर निकलेगा तो ऐसे ना यार कहीं और भटक ना जाए, क्योंकि सर्दियों का मौसम है और काफ़ी ज़्यादा रात को ठंड होती है, तो यार जब इधर रहेगा ना हमारे सेटअप है तो इधर रिलैक्स रहेगा, इधर काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। तो अब ना मैं बाहर जाता हूँ, तो कुछ कबूतर हमारे बाहर हैं और कुछ ना कबूतर जो है वो हमारे अंदर है।
तो ये दरवाज़ा मैं बंद कर देता हूँ। जिस टाइम शाम होगी ना वो आराम से रिलैक्स होकर अंदर जब बैठ जाएगा तो फिर ये वाले कबूतर हैं इनको भी हम अंदर भेज देंगे। तो चलिए दोस्तों ये थी अच्छी वीडियो, अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तुम बाहर आ जाओ, हम अपने मिशन में कामयाब हो गए। सिर्फ दोस्तों इसकी वजह से हम अपने मिशन में कामयाब नहीं हो रहे थे, जैसे ही देखे से मैंने बंद किया तो हम ना कबूतर पकड़ने में कामयाब हो गए। ये पता नहीं हमारे गाँव में ना इसे आड़ी कहते हैं, लेकिन आप यार अपनी ज़ुबान में इसे क्या कहते हैं, हम तो अपनी ज़ुबान में ना इसे आड़ी कहते हैं। और जैसे यार लाइन बना के जाती हूँ, काफ़ी यार प्यारी लग रही होती हैं। मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके, ये देखें दोस्तों, देखें कितनी प्यारी लग रही हैं। तो आपने कल देखा था यार छत की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि कल यार एक दो काम करने थे वो कर लिए, और आज सुबह सुबह ना फर्स्ट टाइम ना यार मैंने इनको दाना डाला और उसके बाद मैंने इनकी छत की सफाई कर लिया। आपको मैं दिखा देता हूँ यार, आप छत ना काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही है दोस्तों। देखिए वो वाली छत भी कितनी साफ़ हो गई है, और देखिए ये वाली छत भी देखिए कितनी ज़्यादा साफ़ हो गई है। मैंने मुर्गियाँ वगैरह और मुर्गे वगैरह जो थे उनको बंद कर दिया, कबूतरे खुले हुए, क्योंकि जो मुर्गियाँ वगैरह यार वो ज़्यादा गंद करती हैं। तो मुर्गियों को अब मैं शाम को ही खोलूँगा, जिस टाइम मैंने मैं दाना वगैरह डालूंगा, क्योंकि यार ये जगह थोड़ी सी गीली है ना, ये थोड़ी सी खुश्क हो जाए, उसके बाद यार मैं अपनी मुर्गियों को खोलूँगा। अभी आराम से अंदर बैठी हुई हैं, आराम से उसे रेस्ट कर रही हैं, और जिस टाइम शाम का टाइम होगा उनको मैं उस टाइम दाना डाल दूँगा उनको, उस टाइम मैं खोल भी दूँगा।